तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको ग्रोथ में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,871 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 13,159 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 13,005 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की गिरावट है, कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू वही 1% के आसपास की थी। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं क्वार्टर क्वार्टर जितना बड़ा है उतना ही साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि मार्केट को इतना पता था कि इस क्वार्टर में साल दर साल 1% के आसपास गिरावट हो सकती है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 13,005 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया है। जबकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट है आपके सामने होंगे, सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12,970 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से तो थोड़ा सा बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 12,292 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,387 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,974 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 703 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 864 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर लगभग 30% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 864 करोड़ के आसपास, लेकिन मेरे पास जितने भी रिपोर्ट है सब रिपोर्ट में यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग बोल सकते हैं 860 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था कंपनी का प्रॉफिट को लेकर एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7.48 रुपये, पिछले साल 7.84 रुपये, अभी देखें तो 9.62 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है वो अच्छे आपको देखने को मिले, मतलब आप कह सकते हैं इन लाइन या उससे थोड़े से बेहतर आप कंपनी के जो नंबर है वो आपको आते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इन लाइन नंबर पर भी मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन आपको देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।